बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग? अल्लाह तआला से उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे ये समर ड्रेसेस हैं, सिलकर आ गए हैं, तो मैंने सोचा ये आप लोगों से शेयर करूँ कि आप लोग बताएँ मुझे कि किस तरीके से सिले हैं। देखें, ये स्टिच हुए हैं सारे सूट, तकरीबन अभी 6-7 सूट हैं। उसकी डिज़ाइनिंग ये कि लॉन का फैब्रिक है, ये मैं आप लोग को अपनी पहली वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि जब मैं ये सूट लेकर आई थी। तो अब ये कि ये स्टिच हो गए हैं, तो इसकी ये देखें गले की जो डिज़ाइनिंग है, नेक डिज़ाइनिंग है, इसकी इस तरह मिरर वर्क के साथ और ये बटन के साथ हुई हुई है। साथ में ये लेस लगी हुई है, इसी तरीक़े से इसकी आस्तीनें देखें, बड़ी खूबसूरत सी आस्तीनें भी बनी हुई हैं। और इसका जो ट्राउज़र है ये देखें, ट्राउज़र भी बहुत इसका खूबसूरत सा है, और इसमें इस तरीक़े से बेल लग के और ये इसमें ये प्लेटें डली हुई हैं देखें। तो इस तरीक़े से ये खूबसूरत सा ट्राउज़र है, और इसका दुपट्टा जो है ये है, जो कि मैंने पीको करवा दिया था, वो पीको इसकी कुछ इस तरह से हुई हुई है ये देखें। तो ज़बरदस्त सा ये हमारा एक सूट रेडी हो गया है। तो अभी ईद भी आने वाली है और फिर रमज़ान भी आने वाले हैं, तो बस मेरी आदत ये है कि खट्टा कपड़े सिल जाते हैं, तो बस मैं फिर ऐसा ऐसा करके पहनती रहती हूँ। एक देखें, ये ड्रेस है येलो कलर का, और ये मुझे बहुत ही पसंद है अपना ये सूट। तो इसकी ये देखें, ये तो है ही फुल एम्ब्रॉयडरी, ये देखें फुल इसका जो है एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ है सूट, और इसका दुपट्टा भी एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन दुपट्टा इस वक्त मेरे पास नहीं है, दुपट्टा पीको वाले के पास गया हुआ। और इसकी ये देखें कलरफुल से इसमें 3 कलर आ रहे हैं, येलो के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है ग्रीन और पिंक का, तो ग्रीन येलो और पिंक ही इसमें इस तरीक़े से बटन लगे हुए हैं ये देखें, और ये इस तरह मुड़ जाते हैं बटन, लेकिन ये सीधे भी हो जाते हैं। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना, वो इस तरह से ये देखें, ये नमक पारों के साथ हुई हुई है। ये इसकी स्लीव्स हैं चौड़ी जो ना ये, और इसका दामन देखें, दामन बहुत ही इसका खूबसूरत सा है, और इस पर डोरी पाइपिंग वर्क हुआ हुआ है, ये इस तरीक़े से डोरी पाइपिंग हुई हुई है, और ये जो ना इस तरीक़े से इस पर दामन इसका बना हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये सूट भी लग रहा है। इसका जब दुपट्टा एम्ब्रॉयडर्ड है, दुपट्टा आ जाएगा तो समझें ये सूट और ख़ूबसूरत हो जाएगा। और इसका जो ट्राउज़र है ना, वो बिल्कुल सिंपल है, इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है ये देखें। तो क्योंकि ये पूरी शर्ट भरी हुई है, तो मैंने ट्राउज़र पे इसलिए इसकी डिज़ाइनिंग नहीं करवाई, तो ये सिंपल है बिल्कुल। ये देखें, ये एक जो है ना थोड़ा सा बनारसी स्टाइल पे सूट है हमारा, और जो है ना क्या कहते हैं, ये भी कॉटन लॉन है, और वो स्विस लॉन पर बना हुआ है, येलो वाला स्विस लॉन पर बना हुआ, और ये खुद इतना ये मतलब बनारसी इस पर काम हुआ हुआ है, डिज़ाइनिंग हुई हुई है जो छपाई है इसके ऊपर। तो इस पर सिर्फ ये मैंने बटन लगाए हुए हैं, ये देखें इस तरीके से बटन लगाए हुए हैं गोल्डन कलर के, और ये इस तरह इसके ऊपर पाइपिंग हुई हुई है गोल्डन कलर की ना, डोरी पाइपिंग का काम हुआ हुआ है। गला भी इसका सिंपल ही रखा है हमने, और इस तरीके से दामन इसका सिंपल है, क्योंकि दामन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इस पर कोई डोरी पाइपिंग मतलब नज़र नहीं आती, तो इसलिए सिर्फ इसकी चौकों पर जो है ना डोरी पाइपिंग हुई हुई है। और इसका जो ट्राउज़र है वो भी सिंपल है, क्योंकि इसका ट्राउज़र खुद ऑलरेडी पहले से ही इस पर बनारसी हुई इस तरीके से छपाई हुई हुई है, वर्क हुआ हुआ है, तो ये मतलब अगर इस पर हम डिज़ाइनिंग करवाते तो इतना कोई ख़ास नहीं लगता। तो इसका दुपट्टा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये इसका दुपट्टा है, और इसके दुपट्टे पे मैंने इस तरीके से बारीक जो है ना मोतियों वाली पीको करा ली थी इसी के हिसाब से, तो ये देखें, तो इसकी वजह से ये और खूबसूरत लग रहा है। तो ये सारे मेरे गर्मियों के ड्रेसेस हैं, ये हमारे ईद पे भी काम आ सकते हैं, क्योंकि ईद पे इतनी शदीद गर्मी होती है, सारा दिन तो किचन में गुजर जाता है, कहीं आना जाना होता नहीं है, तो बस एक का सूट भी पहन लिया तो बहुत होता है। और ये देखें, ये एक ग्रीन कलर का है, ये भी प्रिंटेड लॉन का सूट है मेरा, और इसका जो गला जो है वो कटवर्क में बना हुआ है, और उसमें साइड में ये देखें ये मोती लगे हुए हैं, और इस तरीके से इसकी स्लीव में ये बेल लगी हुई है। अच्छा, स्लीव जो है ना मैं अम्ब्रेला ही पहनती हूँ, क्योंकि वजू वगैरह बनाने में बहुत आसानी रहती है। और इसका दामन देखें, दामन बड़ा खूबसूरत सा बेल की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा सा दामन लग रहा है, और ये मोती वाली जो है इसमें पाइपिंग लगी हुई है, डोरी पाइपिंग का वर्क हुआ हुआ है, इसमें मोती वाली डोरी पाइपिंग लगी हुई है। और इसका जो ट्राउज़र है वो भी बहुत ज़्यादा, ये बड़ा सुपर सा सूट है हमारा, तो अभी जैसे इफ्तार पार्टी वगैरह में भी पहन सकते हैं, रमज़ान वगैरह में भी, तो ये बहुत ज़्यादा सुपर सा लुक दे रहा है। और इसके जो पैंचे हैं ये देखें, ये भी इस तरीक़े से कटवर्क में ही बने हुए हैं, जैसा गले में लुक आ रहा है कटवर्क का, इसी तरीक़े से पैंचों में भी आ रहा है। और इसका दुपट्टा भी बहुत
इसका दुपट्टा देखें, इसमें भी मैंने जो पीको कराई हुई है वो वाइट मोतियों की कराई हुई है, बारीक वाली मोतियाँ। असल में ये मोतियाँ चुभती नहीं है, वरना अमूमन जो बड़ी वाली हम मोतियों वाली पीको करवाते हैं ना, तो वो अगर दुपट्टा इधर उधर होता है तो वो ज़रूर पाँव में चुभ जाती हैं, या फिर जो है उठने बैठने में वो ज़रूर चुभती हैं। ये भी लॉन का सूट है मेरा, और ये बड़ा खूबसूरत सा मुझे लग रहा है। जितना ये सिंपल और मतलब सादा सा सूट है ना, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी है। ये देखें, ये रेड और ब्लैक के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, और इसमें हमने ये बेल लगवाई है बारीक, जो देखें ये बेल लगी हुई है। गला इसका सिंपल बना है, और इसी तरीक़े से यही बेल का लुक हमारे चाकू और दामन में दिया गया है। ये देखें इस तरीक़े से, बहुत नीट जो है ना, कि कहते हैं सफाई से सिला हुआ सूट है। और ये देखें चाकू और दामन में इसका ये दिया हुआ है। इसके ट्राउज़र में इस तरीक़े से पेंटेक्स की सिलाई दी हुई है, ये देखें आड़ में बनी हुई है ये, और इसी तरीके से इसमें बेल का कंट्रास्ट दिया है। इसका दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, दुपट्टे की पीको इसकी बहुत खूबसूरत है, और दुपट्टा भी माशाल्लाह इसका बहुत कंट्रास्ट है ना, खूबसूरत है। देखने में ये सूट माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, ये देखें, ये पता नहीं आप लोगों को पसंद आता है या नहीं आता, लेकिन ये देखें कि इसकी पीको भी इतनी ही खूबसूरत है। इसके ऊपर ये पीको बहुत प्यारी सी लग रही है। तो बड़ा मुश्किल काम होता है कि कपड़े सीना और सिलवाना, और जो ना क्या कहते हैं फिर इनकी पीको वगैरह करवाना। तो कुछ कपड़े मैं खुद सीती हूँ, और कुछ कपड़े मैं स्टिच करवा लेती हूँ टाइम की कमी की वजह से, वरना ज़्यादातर कपड़े मैं अपने खुद सीती हूँ। मैंने बहुत कम बाहर से कपड़े सिलवाए, और ये भी बहुत गर्मियों के हिसाब से बहुत लाइट सा कलर, बहुत प्यारा सा सोबर सा सूट है, और जो ना ये भी लॉन फैब्रिक में ही है। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं करवाया, इसमें सिर्फ मैंने इस कलर की मरजेंडा से कलर की जो पर्पल शेड आ रहा है, इसकी डोरी पाइपिंग लगवाई है। इसी तरीक़े से सिंपल से डोरी पाइपिंग इसमें लगी हुई है, और ये इसके जो साइड में कपड़ा दिया हुआ होता है ना बॉर्डर का, तो वो जो कपड़ा है वो हमने ट्राउज़र में इस तरीक़े से लगवाया है। ये देखें इस तरीक़े से ट्राउज़र में लगा हुआ है, तो इसका ट्राउज़र भी ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा तैयार हो गया है। और इसका भी दुपट्टा पिको वाले के पास ही है। और एक ये सूट है, ये भी बड़ा सुबर सा सूट, तो ये देखें ये जो ना हमारा, ये भी बड़ा सुबर सा सूट है, वाइट कलर का ये है, ये स्टार क्लासिक का ये मेरा सूट। और जो है ना क्या कहते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सिला हुआ है, क्योंकि लॉन का फैब्रिक है, और बहुत ज़्यादा जो ना ये कलर भी ऐसा वाइट सा है, तो इसमें हमने कुछ मुनासिब नहीं समझा कि हम बहुत ज़्यादा मतलब इसमें काम करवाएं। तो बस ये देखें काली कलर की हमारी, ब्लैक कलर की जो है ना डोरी पाइपिंग हुई हुई है। इसी तरीके से हमारी चाकू में इसकी डोरी पाइपिंग हुई हुई है ब्लैक कलर की ना, और सिंपल इसका गला बना हुआ है। और इसका जो ट्राउज़र है वो वाइट कलर का ही है, क्योंकि ट्राउज़र पे मैंने इसलिए डिज़ाइनिंग नहीं बनवाई। ट्राउज़र देखें इसके खुद ना प्रिंटेड हैं, तो इस वजह से मैंने इसके पैंचे नहीं बनवाए, क्योंकि जो है कहते हैं फिर मैं डिज़ाइनिंग दिलवाती तो वो इतनी कोई ख़ास नहीं लगती, तो इस वजह से इसके सिंपल से पैंचे हैं, और सिंपल ये सूट है। और इसका जो दुपट्टा है वो बड़ा खूबसूरत सा है, कलर कॉम्बिनेशन जो है ना क्या कहते हैं, ये देखें येलो डार्क और वाइट के साथ है, और ब्लैक, और इसकी ये जो पाइपिंग है वो ये देखें, ये बड़ी फ्लावर जैसी पाइपिंग है, और वो जो इसमें पीको हुई हुई है, सॉरी पाइपिंग बोल रही हूँ, तो ये पीको जो है इसकी बहुत खूबसूरत सी फ्लावर स्टाइल में हुई है। तो बस ये कुछ मेरे ड्रेसेस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे इनकी डिज़ाइनिंग को। तो जी बस देखें यही थी हमारे जो सिंपल से ड्रेस थी, इसकी डिज़ाइनिंग थी, स्टिच हुए हुए थे। तो बस आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर किया है। अब आप लोगों को कैसे लगे मुझे नहीं पता, कि अब आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों के कपड़े कैसे लगे सिलकर। अभी कुछ सूट हैं जो सिलने के लिए गए हुए हैं, कुछ मेरे पास अपने कटे हुए रखे हुए हैं, तो टाइम की कमी की वजह से मैं सी नहीं पा रही, तो बस ऐसा ऐसा करके सीती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी हानी के भी सीने होते हैं, उसके भी मैंने अक्सर मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे कपड़ों में से जो साइड में से कपड़ा बचता है तो मैं हानी का भी एक सूट सी लेती हूँ, उसमें जोड़ वोड़ डालकर, तो इस तरीक़े से हम दोनों के सूट हो जाते हैं, क्योंकि ये थ्री पीस सूट होते हैं, इसमें मतलब अलग से अगर हम कपड़ा लेना चाहें तो हमें नहीं मिलते। तो बस ये हाथ में हुनर का यही एक फ़ायदा होता है, कि जब आपके हाथ में हुनर होता है तो आप अपने मतलब आप मर्जी से या कट पीस में से भी आप अच्छे से अच्छा सूट बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं हानी के सूट स्टिच कर लूँगी तो आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी कि किस तरीक़े से मैंने बचे हुए कपड़ों से वो कपड़े स्टिच किए हैं अपनी बेटी के। तो अभी रमज़ान आ रहा है, बच्चियों पर बहुत अच्छे लगते हैं, कि बच्चियाँ रोज़ाना नए सूट पहने तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो बस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आया आपको सूट नहीं आया, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ या किसी ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।